राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए। यह उनके लिए पहला अवसर था जब उन्होंने बाबा महाकाल की पूजा की। राष्ट्रपति ने विधिवत पूजा अर्चना करते हुए बाबा महाकाल को जल अर्पित किया और देश एवं प्रदेश की उन्नति, लोगों के कल्याण और विश्व शांति की प्रार्थना की। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति मुर्मू ने मंदिर में जल और पंचामृत से बाबा महाकाल का अभिषेक किया और नंदी मंडपम में भी श्री नंदिकेश्वर भगवान की पूजा भी की। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए महाकालेश्वर मंदिर को फूलों से सजाया गया था, साथ ही पारंपरिक झांझ डमरू बजाकर उनका स्वागत किया गया। पूजा के बाद राष्ट्रपति का सम्मान मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा अंग वस्त्र प्रसाद और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी और सहायक पुजारी भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस अवसर पर स्वच्छता का संदेश देते हुए मंदिर प्रांगण में झाड़ू लगाई। राष्ट्रपति द्वारा मंदिर में सफाई करते हुए का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ नजर आ रही हैं। यह दृश्य न केवल स्वच्छता का संदेश देता है, बल्कि नेतृत्व के प्रति उनकी जिम्मेदारी का भी प्रतीक है।